और दोस्तों हम मिला है, एरा देखिए जांगली ओल, एरा देखिए कितना बड़ा बहुत ही मोटा हुआ है। चलिए दोस्तों काट के ले लेता है, इधर तक काट देता है। हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है भाषण फैमिली ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी उसको सुबह 9, आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। हम लोग दोस्तों खाना उना खा के हम लोग खाना उना रेडी कर लिया था, हम लोग का स्वप्नों का बागान जाने के लिए। हम लोग जाने का समय पे दोस्तों एक ठो बुरा खबर आया, हम लोग का गांव पे दोस्तों एक ठो आदमी का बीमार हुआ था, लगभग 2 महीने का जैसे हुआ ना, 2 महीने से दोस्तों ऐसे बीमार था। आज वो आदमी दोस्तों दुनिया पे नहीं है, आज डेट हो गया, उधर पे हमको जाना पड़ा दोस्तों। हम लोग का यहाँ पे नहीं जाने से भी दोस्तों फाइन लगता है, और आदमी लोगों का साथ, गाँव का आदमी लोगों का साथ सोशल भी होना पड़ता है। आज दोस्तों हम इतना वीडियो शायद बना नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों दुकान आज कहो, हम दुकान से चीनी बिस्कुट लेके जाता है, थोड़ा बाद में दुकान भी बंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों घर आके थोड़ा टाइम रेस्ट कर लिया है, हम यहाँ से थोड़ा सा सब्जी ले जाता है, पटक पटक करके टूट जाता है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ए रहा देखिए हरियाली, जंगल, ये पहाड़ का गुफा, ऐसा जगह पे बहुत सारे सब्जी मिलता है। थोड़ा टाइम घर पे आके रेस्ट कर लिया है, रेस्ट उस करके थोड़ा सा सब्जी लेने के लिए आया। बच्चों को भी लेके नहीं आया, रिया आने वाला था लेकिन रिया को छोड़ के आया, ये सब जंगल है बोल के। सब चुनना पड़ता है, सब जंगल पे चुनने से मिल जाता है। ए रहा देखिए मौसम भी दोस्तों, आज का बहुत ही प्यारा मौसम, आज काम करने में बहुत ही अच्छा होता था। ये सब मौसम, ये सब ठंडा मौसम होने से ना, ये सब काम करने में बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग सुबह खाना उना खा के हम लोग पहाड़ जाने के लिए सोच रहा था, आज गांव पे बुरा खबर है बोल के उधर जाना पड़ा। ए रहा देखिए, देखिए इधर एक ठो ऐसा पकड़ने का साथ साथ पटक करके टूट जाता है। रहा देखिए निंगोल सब्जी है ना, लीजिए। ए रहा देखिए साधु भाई भी ले रहा है कोलूफू सब्जी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मिला है, ए रहा देखिए हम इतना सा मिला है, और साधु भाई ए रहा देखिए ले लिया है। ये सब जंगल का अंदर से इसे चुनना पड़ता है। साधु भाई सुअर का मांस का साथ, माटी गलाई का साथ मस्त होता है खाने में, टेस्टी मस्त होता है। ये सब थोड़ा चुनने में थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि दोस्तों अभी काफी जंगल हो गया, ये सब बरसात का मौसम ना, ये सब जंगल होता है। इनोगोंडा भी ऐसा होगा, हाँ इनोगोंडा सांप भी होता है, लेकिन सांप से हम लोग इतना डरता नहीं है, हम लोग गाँव देहात में रहने वाला आदमी इतना हम लोग सांप के लिए इतना डरता नहीं है, और सांप आदमी देखने से सांप भाग जाता है, सांप भी हम लोगों के लिए डरता है, हम लोगों को भी दोस्तों सांप के लिए डरना पड़ता है। हम सोचा था आज वीडियो बना नहीं पाएगा, उधर शायद रात हो जाएगा, लेकिन जल्दी काम खत्म हो गया, काम खत्म करके आ पाया थोड़ा सा सब्जी लेने के लिए। सेलिना जी और रिया भी आने वाला था लेकिन हम घर पे छोड़ के आया। थोड़ा टाइम खोज लिया है, और उधर जाने से उधर भी मिलता था लेकिन, और साधु भाई भी ले लिया देखिए, साधु भाई हो गया ना एक टाइम खाने के लिए, हो गया ना, साधु भाई भी ले लिया है। और दोस्तों हम मिला है, ए रहा देखिए जांगली ओल, ए रहा देखिए कितना बड़ा बहुत ही मोटा हुआ है। चलिए दोस्तों काट के ले लेता है, इधर तक काट देता है। ए रहा देखिए इतना बड़ा, ये खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है, ड्राई पीस का साथ खाने में अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों सब्जी लेके अभी घर आज कहो, आते आते रात हो गया। ए रहा देखिए जंगली सब्जी लेके आ, और इधर देखिए जंगली ओल, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। इतना बड़ा ओल दोस्तों हम जिंदगी में पहले बार लेके आया, हम लोग ये जंगली ओल जो होता है ना इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, ये सारना का साइड पे देखा था, सारना का साइड से काट के लेके आए, थोड़ा मिट्टी अच्छा है बोल के इतना बड़ा हो गया, हम ऐसा करके लेके आया था।
लेके आने का टाइम पे आदमी लोग देख के दोस्तों ऐसे रास्ते पे क्या लेके है, क्या लेके है, इतना बड़ा हम लोग कोई भी देखा नहीं, ऐसा बोल रहा था। ए, हम बोला है जांगली ओल है, जांगली ओल इतना बड़ा होता है। कोई कोई आदमी दोस्तों हमको फोटो करके ले लिया है, उधर हम लोग का यहाँ पे एक तो पिकनिक प्लेस है, वो फोटो करके ले लिया है। इतना बड़ा ओल देखा नहीं है बोला है। जांगली ओल इतना बड़ा नहीं होता है, वो जो घर पे जो ओल होता है बड़ा होता है, लेकिन जांगली ओल इतना बड़ा नहीं होता है, मिट्टी अच्छा है बोल के बड़ा हो गया। हम लोग दोस्तों ऐसा करके रात देगा, कल हम लोग पकाने वाला हो, ऐसा पकाने का समय पे ऐसा ज्यादा हिलाने से ना ऐसा थोड़ा थोड़ा करके गला पकड़ेगा, हम लोग ड्राई फिश के साथ पका के खाएगा। रहा देखिए जांगली ओल खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, पहले दिखा है क्या, नहीं दिखा है ना, बच्चों लोगों को हम दिखाने वाला था, बच्चों लोग घर पे नहीं है, ये क्या है ऐसे बोलने वाला था हम, बच्चों लोग जानता है कि नहीं जानता है। देखने में ओल का जैसे नहीं लगता है, सब काला टाइप है, सांप का जैसे दिखता है। रहा देखिए खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा, ये अंदर का तरफ ना पूरा नरम होता है। आज हम सोचा था हम वीडियो बना नहीं पाएगा, हम आदमी मरने वाला उधर जाके थोड़ा लेट हो गया, हम शाम का टाइम पे जाके हम ये सब सब्जी वब्जी लेके आए, थोड़ा उनका वीडियो बना लिया है। आज का वीडियो दोस्तों इसी से आप लोग चला लेना, हम लोग आज वीडियो इतना बना नहीं पाया। सेलिना जी दोस्तों आदमी मरने वाला उधर नहीं गया है, सेलिना जी जा नहीं सकता है, हम सेलिना जी को हम जाने नहीं देता है, जाना चाहिए था ये सब आदमी लोगों का साथ, गाँव का आदमी लोगों का साथ सोशल होना चाहिए था, लेकिन सेलिना जी उधर ऐसा आदमी मरने वाला घर पे जाने से ना सेलिना जी का बीमार होता है, डरता है, मतलब इसका अंदर से डर निकलता है, इसलिए हम जाने नहीं दिया है, हम अकेले गया था। हम लोग का यहाँ पे दोस्तों आदमी मरने से, हम लोग नहीं जाने से फाइन लगता है, जाना भी चाहिए और आदमी लोग का साथ सोशल भी होना चाहिए। जिसके घर पर भी आदमी मरने से भी हम लोग जाता है, हम लोग एब्सेंट नहीं करता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर रखता है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगने से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया होने से चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।